सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों अभी की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विजया बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको आए वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस पोर्शन को देख सकते हैं, जैसे कि आप या एप्लीकेंट कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, केवाईसी नंबर, ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं भरना है, ये सिर्फ बैंक के अधिकारी ही भरेंगे। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं केवल कार्यालय प्रयोग के लिए, फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली। अब जो है आपको नीचे आना है, यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो लगा लेनी है, यहाँ आप जिस विजया बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का आपको यहाँ नेम लिख देना है, फिर यहाँ आपको अपना पूरा नेम लिखना होगा, लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पूरा नाम, नेम इन फुल। अपना पूरा नेम लिख देने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं केवल कार्यालय प्रयोग के लिए, फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये सिर्फ बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल, यहाँ जो है आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, ठीक है। यहाँ जो आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम, यहाँ आपको अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, फिर आपके नेम में मिडिल नेम आता है तो वो लिखना है, और लास्ट नेम, आपके नेम में जो लास्ट नेम है वो लिखना है। फिर इसी तरीके से यहाँ जो है आपको अपना फादर का नेम लिखना होगा, फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना मदर का नेम लिखना होगा, फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं जेंडर, जो आपका जेंडर आता है उस पर आपको टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे मैरिड स्टेटस, आप मैरिड तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। फिर आप नीचे आएंगे सिटीजनशिप, आपको यहाँ इंडियन पे टिक कर देना है। रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल पर टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑक्यूपेशन टाइप, व्यवसाय का प्रकार, आप जिस व्यवसाय से आते हो आपको उस पर टिक कर देना है। आपको जो है अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है और यहाँ आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के सामने उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना होगा, यानी कि यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ लिखना होगा, फिर यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ लिखना होगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका एड्रेस टाइप इनमें से क्या है आपको उस पर टिक कर देना है। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी जो आप एड्रेस लिखोगे उस एड्रेस का प्रूफ देने के लिए इनमें से क्या डॉक्यूमेंट है आपको उस पर टिक कर देना है। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद आपको जो है अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है, फिर आपको जो है यहाँ अपनी सिटी लिख देनी है, फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हो आपको वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है, फिर यहाँ आपको अपना पिन कोड लिख देना है, फिर यहाँ आपको अपना स्टेट कोड लिख देना है, यहाँ कंट्री कोड में यहाँ आपको आई और एन लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही आप यहाँ लिखने वाले हैं तो आपको सेम एज करंट पे आपको टिक कर देना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना होगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट डिक्लेरेशन, आपको इस टर्म्स और कंडीशन को पहले पढ़ लेना है, फिर इसके बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, फिर आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराओगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी, फिर यहाँ आपको अपना प्लेस यहाँ लिख देना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन, यहाँ आपको सेल फोन पे टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आई डोंट हैव एनी अकाउंट विद विजया बैंक, आपको उस पर टिक कर देना है। कस्टमर टाइप, आपको यहाँ पब्लिक पे टिक कर देना होगा। मंथली इनकम, जो आपकी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ लिख देना होगा। रिलीजन, आप जिस रिलीजन से आते हो आपको उस पर टिक कर देना है। कैटेगरी, आप इनमें से जिस कैटेगरी से आते हो आपको उस पर टिक कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना होगा। जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने ग्रेजुएट पे टिक किया है।
इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सर्विस रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपको विजया बैंक से सर्विसेज चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना होगा। यदि आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो रिक्वायर्ड पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड पे टिक कीजिए। फिर चेकबुक, यदि आपको चेकबुक चाहिए तो रिक्वायर्ड पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड पे टिक कीजिए। यदि आपको SMS अलर्ट चाहिए तो रिक्वायर्ड पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड पे टिक कीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे होंगे वो किसे मिले। तो जो यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना है, फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट टू डिपॉजिट पर्टिकुलर वे आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय विजया बैंक। फिर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ जो है नॉमिनी का नेम लिख देना होगा, पूरा नेम लिख देना है, फिर वो रिलेशनशिप में आपके क्या लगता है वो लिख देना है, फिर उसकी एज यहाँ लिख देनी है, फिर नॉमिनी जहाँ रहता है वो एड्रेस यहाँ आपको लिख देना है, फिर यहाँ जो है सिटी लिख देना होगा, यहाँ पिन कोड लिख देना होगा, और वो नॉमिनी जिस स्टेट में रहता है वो स्टेट यहाँ लिख देना होगा। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, यहाँ आप लिखा पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ आपको प्लेस लिख देना होगा, और आप जिस दिन इस फॉर्म को जमा कराएंगे बैंक में उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे, फिर आप जिस प्लेस से आते हो वो प्लेस आपको यहाँ लिख देना होगा, और आप जिस दिन इस फॉर्म को जमा कराओगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, यहाँ जो है टर्म्स और कंडीशन है, आप इस टर्म्स और कंडीशन को पढ़ लेना। इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, इस पेज में भी टर्म्स और कंडीशन है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इफ़ द इंट्रोड्यूसर इज़ आर ऑलरेडी अ कस्टमर ऑफ द ब्रांच प्लीज़ गिव अ अकाउंट नंबर। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यदि परिचयकर्ता पहले से शाखा के ग्राहक हो तो कृपया खाता संख्या दे। यानी कि आपको जो है एक इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत है जिसका पहले से ही विजया बैंक में अकाउंट हो और आप उसे जानते होना चाहिए। तो यहाँ इंट्रोड्यूसर का अकाउंट नंबर यहाँ लिखना होगा, और इंट्रोड्यूसर ने अकाउंट कब खोला था यहाँ आपको लिखना होगा। फिर यहाँ इंट्रोड्यूसर का नेम लिखना होगा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। फिर इंट्रोड्यूसर जहाँ रहता है वो एड्रेस यहाँ लिखना होगा। फिर इंट्रोड्यूसर जिस स्टेट में लिखता है वो यहाँ लिखना होगा। फिर पिन कोड यहाँ लिखना होगा, कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देना होगा। फिर वो इंट्रोड्यूसर जो है वो आपके रिलेशनशिप में क्या लिखता है वो यहाँ लिखना होगा, और यहाँ इंट्रोड्यूसर का मोबाइल नंबर लिखना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना होगा, और आप इंट्रोड्यूसर को कितने सालों से जानते हो वो यहाँ लिखना होगा। इसके बाद आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराओगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी, और यहाँ इंट्रोड्यूसर की सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म संख्या 60, इसको भरने की ज़रूरत जब पड़ती है जब पैन कार्ड ना हो तो। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पहले आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि बिना पैन कार्ड के बैंक में अकाउंट खुलवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना है, और यहाँ आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, इस पेज में कुछ खास है नहीं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इस पेज में आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट डिक्लेरेशन, आपको जो है इन टर्म्स और कंडीशन को सबसे पहले पढ़ लेना है, और आप जिस दिन इस फॉर्म को जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है, और यहाँ आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, इस पेज में आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट डिक्लेरेशन, यहाँ जो है आपको उस दिन की डेट लिखनी होगी जिस दिन आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे, उस दिन की डेट लिख देने के बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे टर्म्स और कंडीशन मिलेगी, इस टर्म्स और कंडीशन को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा
कि कैसे आपको विजय बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना है। आपको वीडियो आया हो पसंद तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।